हेलो, चलो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पहले स्टेंजा तक मैंने आपको समझाया था, सेकंड स्टेंजा से हम कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर में बात चल रही थी, यहाँ पे इम्पोर्टेंस आई गई थी ट्री की। बताया गया था कि इंसान केवल ट्री नहीं, ट्री के मतलब वो ट्री को ट्री नहीं, वो और भी बहुत कुछ क्या करता है, प्लांट करता है ना। तो फिर नेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। अब वो कह रहा है व्हाट इज ए प्लांट हु प्लांट्स ट्री, वो क्या प्लांट करता है जो ट्री प्लांट करता है। ही प्लांट्स कूल शेड, वो ठंडी ठंडी छाया एंड टेंडर रेन, और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो रेन आती है वो रेन, यानी कि वो एक ठंडी छाया और रेन प्लांट करता है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू, है ना, एंड सीड ऑफ बर्ड डेज बर्थडे हुई। क्या मतलब है, आइडिया है इसका? थोड़ा रीडिंग इसको सबके अगर अच्छे हैं तो ट्राई करो क्या होता है। आप कुछ डाउट्स भी हो मैं पोइम के लास्ट में ले लूंगा, ठीक है? बताओ इस लाइन का मीनिंग क्या हो सकता है। वो कह रहा है ही प्लांट्स कूल सीड एंड टेंडर रेन एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, वो ठंडी छाया रेन एक बीज और अच्छे दिन जो आने वाले हैं उनको क्या करता है, सीड करता है, उनको क्या करता है, प्लांट करता है, ठीक है। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लस, ऐसे ईयर्स जो हल्के हो गए हैं लेकिन दोबारा से वो फ्लरिश हो जाएंगे, यानी द्वार से वो खिल जाएंगे, यानी एक अच्छे साल अच्छे दिन द्वार से वो प्लांट कर रहा है। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ प्लेन, ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ प्लेन, प्लेन मतलब जो प्लेन एरिया होता है, तो प्लेन एरिया की जो शान होती है वो पेड़ों से होती है। तो वो कह रहा है कि वो एक प्लेन एरिया की शान को प्लांट करता है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, जंगल की जो हेरिटेज है ये उसको, जंगल की जो प्रॉपर्टी है यानी प्लांट, उनको ये क्या कर रहा है, प्लांट कर रहा है। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, जो कि आने वाले टाइम की हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट मतलब जिसको बाद में काट रहा जाए, आने वाले टाइम पे वो काटा जाएगा, तो वो इन चीज़ों को प्लांट कर रहा है। द जॉय दैट अनवन आईज शैल सी, ये वो खुशी है जो वो लोग देखेंगे जो तो बॉर्न भी नहीं है, ये वो खुशी है जो ऐसे ऐसी आंखें देखेंगे जो बॉर्न ही नहीं है, यानी ये फ्यूचर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खुशी वाली चीज़ है। दीज थिंग्स प्लांट्स प्लांटेड, ये सारी चीज़ें हैं जो वो प्लांट करता है, जो एक ट्री प्लांट करता है। फिर दोस्त कह रहे हैं व्हाट इज योर प्लांट ऑफ प्लांट्स करते हैं, ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी एंड फारकस थॉट ऑफ सिविक गुड, वो छोटे छोटे पौधे प्लांट करता है, पत्तियाँ लकड़ियाँ, इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, घर और लॉयल्टी की वजह से केवल वो इन सारी चीज़ों को ग्रो करता है। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सेव गुड, और एक अच्छे एक फ्यूचरिस्टिक अच्छे इंसान की कामना करते हुए इन चीज़ों को क्या करता है, प्लांट करता है, ठीक है। हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड, हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आर हैंड,